अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ सकलेन सिमल और आज हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिवन द फैक्ट के सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन शायद अक्सर पेपर्स में नहीं आते। वो आते तो हैं लेकिन उनमें फिर रकम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन चेन रूल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। छोटे छोटे नंबर्स दिए होते हैं, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, तो उनके बारे में चेन रूल से जी आप उनको सॉल्व करें, ये फाइंड करें, वो फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, सारा कुछ जो है आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो एग्जाम्पल 3 है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो इन जो पहली दो एग्जाम्पल्स है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। डायरेक्टली ये वाला चेन रूल नहीं लगेगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसमें आपने सॉल्व कैसे करना है, एरोज कैसे लगाने हैं। ठीक है जी, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छी लगे और आपके लिए यूजफुल है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको फ्री मैथ्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्पेशली जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चेन रूल जो है उसको हम यूज़ करते हैं जी, दो या दो से ज़्यादा रेशियोज जब आपके पास हों तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए या उनकी आपस में रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए रेशियो बी दी हुई है, बी रेशियो सी दी हुई है, सी रेशियो डी दी हुई है, तो आप उससे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकाल सकते हैं, सच दैट कि उन सारों का आपस में प्रोपोर्शन सेम रहे या सारों की आपस में भी रेशियो सेम रहे और आपका आंसर भी निकल आए जो कि ओरिजिनल रेशियो से डिफरेंट होगा। ठीक है जी, और उसके अलावा चेन रेशियो को, चेन रूल जो है उसको हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि सिंपली मल्टीप्लाइंग द रेशियोज एंड टू गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो सी या ए रेशो डी या डी रेशो ए वगैरह वगैरह। इसके बारे में पहली दो एग्जाम्पल्स हैं तो पहले वो देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए डिफरेंट लॉजिक लगेगी, आपको उनको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। खैर, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू रेशो 3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:6, देन फाइंड ए रेशो सी। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप देखते हैं कि ए रेशो बी मतलब ए बटा बी होगा, बी रेशो सी बी ओवर सी होगा। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी जो है नीचे वाला बी इधर से और यहाँ से बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड बाकी आप दूसरी साइड जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चेन रूल इम्प्लाइज। इन चेन रूल में सिंपली मल्टीप्लाई द रेशियोज, ए और बी इंटू बी ओवर सी हमने किया है इज इक्वल टू 2/3 × 5/6। ठीक हो गया जी, अब बी जो नीचे है ये इस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड इस साइड पे 2/3 और 5:6 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 2 10, 6 × 3 18, और ये बी कैंसिल हो गया, ए ओवर सी आ गया हमारे पास 10/18, 5/9 आ गया, और ए रेशो सी का हमारे पास आंसर आ गया जी। अगर रेशो फॉर्म में लिख रहे हैं तो ए रेशो सी इक्वल 5:9, या फिर फ्रैक्शन में ये भी आंसर आपका ये भी चल सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं जी। इफ़ ए रेशो बी या ए रेशो बी और ए और बी, आपको पता है सेम चीज़ है, मैंने ओवर की फॉर्म में लिखा है, बटे की फॉर्म में लिखा है। इफ़ ए और बी इज इक्वल टू 3/4, बी ओवर सी इज इक्वल टू 4/5 एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू 5/6, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे आप इसको कर लेंगे 6। लेट मी जस्ट एड दिस हेयर 6। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। चलिए, इफ सी ओवर डी इज इक्वल टू 5/6, तो फाइंड ए ओवर डी। ए ओवर डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी मल्टीप्लाई ऑल द रेशियोज यूजिंग चेन रूल। आपको पता है कि ए और बी और बी और सी में से बी कैंसिल हो जाएगा, बी और सी ओवर डी में से नीचे वाला सी और ऊपर वाला सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए ओवर डी का आंसर आ जाएगा सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दीज रेशियोज। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड्स मल्टीप्लाई की है तो राइट हैंड साइड्स को भी हम रिस्पेक्टिवली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए और बी, बी और सी, सी ओवर डी, ये बी इधर से कैंसिल, सी कैंसिल, 3/4 × 4/5 × 5/6। अब कुदरती तौर पे रकम ये इजी ली हुई है मैंने, तो खैर अगर रकम डिफरेंट भी होती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो 4/5 जो है वो भी कैंसिल हो गए, 3/6 आ गया, और ए 3/6 का आंसर आ गया जी 1/2, 3 1/2, 3 2/6, ये सिंप्लीफाइड रेशियो है इनकी, ए रेशियो डी। ठीक है जी, लेकिन अगर वो आपको कहता है जी कि इसी में आपने डी ओवर ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप प्रोसीजर सारा सेम करेंगे, सारा सेम कर लें, या फिर आप सारी रेशियोज को उलट के आपस में मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सेम रिजल्ट आएगा। या फिर आप सिंपली ये वाला प्रोसीजर करें जहाँ तक है ए रेशो डी, और फिर इसका आप रेसिप्रोकल ले लें। दिस इज व्हाट आई हैव डन, कि अगर हमें डी ओवर ए करना है तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे होता है, 1/ जो है जितनी भी रकम है उसको आप 1/ की फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/ ए ओवर डी इज इक्वल टू 1/1/2,
तो यो जो ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा जी, डी ओवर ए बन जाएगा, और यहाँ पे जो टू है ये भी ऊपर चला गया, टू ओवर वन, दिस इज योर आंसर ऑफ डी ओवर ए। ठीक है जी, आगे एग्जाम्पल नंबर थ्री पे आते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कह लें या थोड़ी सी डिफरेंट कह लें, बट दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू रेशो थ्री एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू थ्री रेशो फोर एंड सी रेशो डी इज इक्वल टू फोर रेशो फाइव, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो ए बी सी डी जो है इनकी आपस में जो ओवरऑल रेशियो है उसको फाइंड आउट करें, कैसे आएगी। ठीक है, क्या करेंगे आप इस तरह के प्रॉब्लम में, वी टेक टू रेशियोस एट अ टाइम एंड राइट देम एज, उनको ऊपर नीचे आपने लिखना है। कैसे है कि ए रेशो बी आपने पहले ऊपर लिख लिया, तो फिर उसको अलाइन करके लिखना है। दूसरे में बी रेशो सी है हमारे पास, तो बी को बी के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, जो सेम लेटर्स हैं या सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऊपर नीचे सेम प्लेस पे आना आएगा, और फिर अगले स्टेप में हम उनके एरोज लगाएंगे और फिर एरोज को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, ए रेशो बी था मेरे पास और बी रेशो सी था, तो बी को मैंने बी के नीचे लिख लिया और बी रेशो सी। अब यहाँ पे हम एरोज लगाते हैं, तो पहला एरो आएगा जनाब लेफ्ट हैंड पे, जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में नीचे वाला और ऊपर वाला जो बी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाला बी जो है इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली आप नोटिस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एरो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये याद आपने रखना है कि हॉरिजॉन्टल एरो कोई भी नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल एरो आपने लगा दिया तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। सो आपने डायगनल एरोज लगाने हैं और वर्टिकल और डायगनल, बस दैट्स इट। तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ए इंटू बी, ये वाला ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला बी जो है ये सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए रेशो बी हमारे पास था 2:3, और सी रेशो बी रेशो सी है हमारे पास 3:4। तो हमने डायगनल और वर्टिकल एरोज लगाए, तो टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, और 3 × 4 = 12। तो ए रेशो बी रेशो सी का आंसर मेरे पास आ गया 6:9:12। इनको आपस में सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अगली चीज पे आते हैं, ये थोड़ा सा इससे भी आगे का स्टेप है। अगेन आपने सेम रूल याद रखना है कि आपने हॉरिजॉन्टल एरो नहीं लगाना, आपने वर्टिकल और डायगनल एरोस लगाने हैं। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड आउट करना है। तो उसमें कैसे करेंगे, हमारे पास देखिए ए रेशो बी रेशो सी आ गया, अब हमारे पास एक और रेशो पड़ी हुई है सी रेशो डी, हम उसको यूज करेंगे। सी जो है चूंकि कॉमन है, तो सी को सी के नीचे रखेंगे और फिर एरोज लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा, ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास ऑलरेडी जी आ चुका है। ठीक है, सी रेशो डी की भी उसने हमें पहले बताई हुई है कि सी रेशो डी ये है, तो हमने फिर एरोज लगाए, सी सी को सी के नीचे रखा और एरो लगाए, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए कि जब भी फॉर एग्जांपल डी रेशो ई भी आ जाता है या ई रेशो एफ भी आ जाता है, तो आप बारी बारी जो है ना सारों के एरोज लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई जो भी है ना, जहाँ पे कॉमन है ना उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं आपने उन सारों को कॉमन वाले के साथ नीचे मल्टीप्लाई करना है डायगनल एरो के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है जी सी, जिसकी रेशियो कॉमन है हमारे पास, तो उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं हमने उनको डायगनल एरो के साथ कनेक्ट करके मल्टीप्लाई करना है। तो ए रेशो बी जो है, ए और बी जो है, ए का एरो आ गया, बी का एरो आ गया, सी का आपस में आ गया, और ये डी का आ गया। ठीक हो गया, कोई भी हॉरिजॉन्टल एरो हमने नहीं लगाया। ओके जी, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या था हमारे पास 6:9:12, और यहाँ पे हमारे पास सी रेशो डी जो है वो गिवन थी 4:5। तो एरोज लगा दिए, 6 × 4 हो जाएगा, 9 × 4 होगा, फिर 4 × 12, और फिर 12 × 5। ये देखिए, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज इक्वल 6 × 4, 9 × 4, 12 × 4, 12 × 5। तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाते हैं जी 24, 36, 48, 60। ठीक है, अब आप परेशान हो रहे होंगे, काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हम कहाँ 2:3 से चले थे और 4:5 तक आए थे, ये पता नहीं 48, 60 तक पता नहीं कैसे आ गए। ठीक है, तो ये नेचुरल है, क्योंकि आप जब रेशियोज को कंबाइन करते हैं तो आप ये चाह रहे होते हैं कि जी ऐसे ऐसे नंबर्स में फाइंड आउट करूँ कि उनकी उनको जब मैं आपस में सिंप्लीफाई करूं तो उनकी सिंपलेस्ट रेशियो दोबारा वही बन जाए, और वो आपस में जो उनका रिलेशन है ओवरऑल वो भी मैं एक्सप्लोर कर सकूं। फॉर एग्जांपल अगर अब यहाँ से आप 24:60 भी ले सकते हैं कि जी ए रेशो डी जो है वो मेरे पास 24:60 आती है, सिमिलरली बी रेशो डी मेरे पास 36:60 आती है। खैर इतने
कॉम्प्लेक्सिटीज में आप ना पढ़ें, आप सिंपली ये देखें कि उनका जो ओरिजिनल टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रेशियोज आप करके देखें कि जो उनके ओरिजिनल रेशियोज हैं वो क्या मेरे पास दोबारा बन रही हैं या नहीं बन रही। व्हेन वी सॉल्व ईच सेट ऑफ दीज रेशियोज इट शुड रिड्यूस टू द ओरिजिनल रेशियो, तो जो हमारे पास ओरिजिनल रेशियो थी उसमें रिड्यूस उसको हो जाना चाहिए। ये आपका सिंपल सा रूल है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से सारे में से आप यहाँ से ले लें जी बी रेशियो सी ले लें ये वाला, ठीक है। एक और डब्बा लगा देते हैं आपकी सहूलत के लिए, बी रेशो सी ये है हमारे पास, ठीक है। अब इनको हम इधर से निकालते हैं तो बी रेशो सी इज इक्वल टू 36:48, ठीक हो गया जी। तो इसको हम सिंपलीफाई करें तो जो 36 है दैट इज 12 × 3, 48 है 12 × 4, 12 12 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे होते हैं, बटे की फॉर्म में होते हैं जब वो रेशोज की फॉर्म में आते हैं, ठीक है जी। तो बी रेशो सी जो है दोबारा हमारे पास आ गया 3:4, विच इज एग्जैक्टली वट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखिए बी रेशो सी हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन था 3:4, यही हमने नीचे जाके निकाल लिया है 3:4, सेम एज ओरिजिनल रेशो ऑफ बी एंड सी। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं टेस्ट कर सकता हूँ जी सी और डी की, बता नहीं कि मैंने जवाब ये निकालना है मेरा जवाब ठीक भी है कि नहीं। मैं सी और डी के कंपोनेंट्स लूँगा, उनको दोबारा मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो जो उनकी ओरिजिनल रेशियो है वो मेरे पास वापस बननी चाहिए, फिर मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। आपको फिर इसमें कॉन्फिडेंस होगा। इसी तरह मैं अपने जवाब चेक करता रहता हूँ, मैं जब इस तरह के क्वेश्चन कर लेता हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन जब मैं खुद करता होता हूँ तो ज़ाहिर है तो पेपर में बैठ के हमारे पास चॉइस नहीं होती, हम चाह रहे होते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने इंश्योर करके आए। तो मैं उधर अपना जो है ना जवाब वेरीफाई के साथ साथ करता रहता हूँ कि जी अगर मैं इसको वापस रिड्यूस करूँ तो मेरे पास ओरिजिनल रेशो बन रही है बस, ठीक है, फिर मेरा आंसर ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मे भी थोड़ी सी लंबी हो गई हो, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको चेंज रूल समझा सकूँ। मजीद वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, अपने दोस्तों को सजेस्ट कर दें कि वो भी सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।